ये खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझी प्यार से कहना धन्यवाद। Surrender is described as great tool to transform one's life. It is sure recipe for spiritual growth. Dwelling on the significance of surrender, Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj says that by living each moment in surrender to Nirankar, we can transform our life, making it truly peaceful and happy. The importance of surrender in our lives was no less emphasized by Baba Gurbachan Singh Ji. He said that all exponents of truth who appeared on this earth from time to time surrendered themselves to God in all humility, and God bestowed His choicest blessings on them. So, aaiye yug nirmata samay ke sadguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj ko samarpit hote hue August mahine ke samacharon ke saath September mahine ke is episode ki shuruaat karte hain. Main hu aapke saath Samta. Sabse pehle nazar dalte hain headlines par. Divya Vani समागम, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। The 36 years long journey of Baba Hardev Singh Ji Maharaj can be termed as the journey of smiles and love. With his one smile, thousands and millions of faces of God-loving people would start glowing with joy. किसी भी महापुरुष की कितनी ही गहरी वेदना क्यों ना हो, बाबा जी का एक शब्द अच्छा हर तरह के दुख, हर तरह की पीड़ा पर मानो मरहम बन जाता था। इनके इस अच्छा में भक्त की हर स्थिति परिस्थिति के अच्छा हो जाने का ही भाव छुपा होता था। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचनों से। भक्त जन जो है वो प्यार को फैलाव देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको बांटते हैं ताकि ये फैलता ही चला जाए। हर हृदय में प्यार का वासा होता चला जाए, हर हृदय प्यार से रच जाए ताकि प्यार की दुनिया बस जाए। चारों तरफ प्यार ही प्यार के तराने हो, हर जुबान पे प्यार भरे वचन हो, बोली हो प्यार वाली, और व्यवहार के रूप में भी वो प्यार वाला व्यवहार हो। इस तरह से ये प्यार की दुनिया बसाने के लिए ही आप इसी पहलू को मजबूती देते चले जा रहे हैं, इसको फैलाव देते चले जा रहे हैं। और प्यार की बात जो शायर का शेरदास अक्सर दोहराता है कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त निकालते हैं कहाँ से नफरत के लिए। निरंकार गुरु दा हुकम है मैनू अख तो पर्दा लाहणे दा, निरंकार गुरु दा हुकम है मैनू भुल्ले नू समझाने दा। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी द्वारा अंकित ये अनमोल वचन आज भी पावन अवतार बाड़ी में पढ़े जा सकते हैं। As the second spiritual head of Sant Nirankari mission, Baba Avtar Singh Ji served the mission from 1943 till 3rd December 1962 and salvaged the world. Afterwards, till 17th September 1969, he chose to be a disciple mainly to demonstrate the triads of a true disciple to the devotees. It is clearly stated by Baba Hardev Singh Ji Maharaj that Shehenshah Ji's era was an abiding era. It was full of humility, where there was no mad race for high position and where devotees did not stray from the path of truth. उसी महान कल्याणकारी जीवन से प्रेरणा लेने के लिए तथा पुरातन संतों की याद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त 2017 को युग निर्माता सदगुरु माता जी की छत्रछाया में दिल्ली के निरंकारी चौक के नज़दीक ग्राउंड नंबर 8 में मुक्ति पर समागम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं मुक्ति पर समागम की ये रिपोर्ट। 15 अगस्त को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्रछाया में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में मुक्ति पर्व समागम आयोजित किया गया, जिसमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता बुद्धवंती जी, निरंकारी राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी तथा अन्य परोपकारी संतों के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद किया गया। इस समागम में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अनेक शहरों से हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया।
दास नरेश कानपुर से आया हुआ है। दास पिछले 5-6 सालों से मुक्ति पर समागम बना रहा है। दासी का नाम सहयोगिता है। दासी का पंजाब से बिलोंग करती है दासी, और यहाँ पर आते हुए दासी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और सदगुरु की रहमतें इस दर पर दासी को इतनी सारी मिली हैं कि उनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो चीज़ माता जी आज हमें सिखला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मानवता है, और इसी दर पर ये परस्पर प्यार ही है जो सबको एक साथ जोड़े हुए हैं। इसी प्यार की खातिर सब लोग यहाँ पर आते हैं। मैं साक्षी मदान हूँ, मैं गुड़गांव से आई हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ। जब से भी मैंने अपने आप को जाना है, मैंने सदगुरु को जाना है। सदगुरु हैं तो हम हैं, सदगुरु नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। सदगुरु ने जो हमें कह दिया अगर हमने उसको मान लिया तो हमारा जीवन सफल है। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्यार सिखाया जाता है, सत्कार सिखाया जाता है। दूरों दूरों से महापुरुष अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे जो भी सीखते हैं अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं उनको। तो हम इस जो हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी सिखा के गए वैसा ही माता सुविंदर हरदेव जी सिखा रहे हैं। मुख्य मंच से आने वाले गीत, विचार और कविताएं परोपकारी गुरुओं और संतों को समर्पित रहे। मुक्ति पर्व दिवस कहता है कुछ बीते वर्षों को याद करें, पूछें अपने अंतर मन से, अपने दिल से फरियाद करें। शहंशाह जगत माता की क्या हमको सिखलाई थी, गुरु बचन और राज माता से क्या शिक्षा हमने पाई थी। प्यारे गुरु हरदेव ने हम पर अपना तन मन धन वार दिया, हमारी खातिर जीते जी अपने जीवन को मार दिया। जरा निहारें सतगुरु माँ को, जरा निहारें सतगुरु माँ को, कितना दर्द दबा रखा है, अपने नाजुक कंधों पर हम सब का भार उठा रखा है। सतगुरु मुताबिक जीवन जीना दे मिलने गे, मुक्ति दा चोला यो पाके चलने गे। सतगुरु मुताबिक जीवन मुक्ति पर समागम पे जहाँ सारे मुक्त जो महात्मा हैं वो बैठे हुए हैं, पहले तो दासी उनको नतमस्तक होती है कि पूर्ण सतगुरु से इस मुक्ति को पा के उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया है। कृपा करो कि ये जो मुक्ति सतगुरु ने दी है ये जो है हमेशा याद रहे। तो यहाँ अभी भी महात्मा जितने बोले उन्होंने कहा कि जब तक ये जो ज्ञान है इस पर हम जीते नहीं हैं, अंत श्वासों तक सतगुरु पे भी विश्वास बना के, इस निरंकार पे विश्वास बना के, तब तक ये सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती। इस अवसर पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों के अंश भी स्क्रीन पर दिखाए गए, जिसका संगतों ने लाभ उठाया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने तपस्वी संतों के परोपकार में जीवन की ओर प्रेरित करते हुए कहा, सात संगत जी, आज के दिन जगत माता ने अपना शरीर त्यागा, एक प्रीत प्यार नम्रता त्याग की वो मूर्त थे, सबको भरपूर प्यार दिया। सात संगत जी, शहंशाह जी के जीवन से भी हम सब वाकिफ हैं, अनेकों जिंदगियां उन्होंने सवारी, और एक भक्ति या भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए वो भी हमें जी के दिखाया। पहले बाबा बूटा सिंह जी के साथ, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी के समय एक शिष्य बन के जी के उन्होंने दिखाया। सात संगत जी, राजमाता जी के जीवन से तो हम बचपन से ही वाकिफ हैं, शुरू से ही देखते आए उनके अंदर की भक्ति भावना, सबके लिए प्रीत प्यार इज्जत सत्कार। बाबा जी ने खुद कहा कि वो उनकी लाइफ, पूरी लाइफ एक शहंशाह जी वाला मिशन थी।
उन्होंने हर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया पर हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी। साथ संगत जी, अभी हमने ये भी सुना बाबा जी के प्रवचनों में कि इतनी आज़ादी दे मुझे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। निरंकार से यही अरदास है कि इसकी कैद में रह के कभी हमारा विश्वास न डोले, इसकी कैद में रह के हम इस मिशन को आगे से आगे बढ़ा पाएं। इसी प्रकार अगस्त के महीने में दिल्ली के निरंकारी चौक स्थित समागम ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में आयोजित किए जाते रहे, जिसमें श्रद्धालु भक्त जहां माता जी के चरणों में अपने भाव व्यक्त करके और सुनकर निहाल होते रहे, वहीं सद्गुरु माता जी भी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। संत महापुरुष अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं, इस निरंकार की कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं इस निरंकार को पता है हमारी बेहतरी किस में है, हमारी भलाई किस में है। पर महापुरुष हमेशा समर्पित भाव में ही रहते हैं, इसलिए उनके अंदर एक पीस ऑफ माइंड होता है और ये पीस ऑफ माइंड निरंकार के साथ पूरी तरह से जुड़ने से ही आता है। और वो महापुरुष अपनी इस विश्वास और इस कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं और एक पीसफुल जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। सतगुरु इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। सतगुरु's लव नोज नो बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और नेशनैलिटी। सतगुरु बाबाजी ऑफन कोटेड, Love cures not only the one who receives it, but also the one who gives. Sadhguru Mataji, emphasizing love, once said, "If you want to be loved, become love." The mission found tremendous expansion in all directions during the era of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Apart from India, it found considerable expansion overseas as well. Volunteers of Sant Nirankari Seva Dal in foreign nations not only participate in making arrangements for congregation and samagams, but also extend support to social welfare activities in their respective countries. So let us take a look into the news under our next section, Mission Overseas. The Mukti Parv Samagam was held at various places across the world, including Sharjah, UAE on 18th of August 2017 and also in Bahrain in the same month. The Life Chiropractic West College presented the Service to Humanity Award 2017 to the Sant Nirankari Mission for the tireless contributions of His Holiness Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj and now Her Holiness Sadhguru Mata Savindar Hardev Ji Maharaj. The event was held in San Francisco, California on 4th of August 2017. This project would not be in existence without the vision and support of the Sant Nirankari Mission. Under the guidance and assistance of the late Baba Hardev Singh Ji, and currently under the vision of Sadhguru Mataji, the mission lives on. The mission also presented a picture of Babaji and Mataji to the team of chiropractic doctors. Angel Ochoa Reyes, I'm a doctor of chiropractic. So my first experience was a student about 5 years ago. I went on the original trip that LifeWest attended, and it was an amazing experience. The love, the light in everyone's eyes, just the message of Mataji, it's a magical place. I need to go back. My soul needs it. The philosophy of the mission as well as the philosophy of chiropractic, they're the same message. And so the reason they both harmonize and work so well together is they're both about spreading love and they're both about being a servant. I'm just very excited to see the future of LifeWest and the Sant Nirankari Mission working together. I just see very big things happening together and just continuing to help millions of people around the world. When I was in school is when I went to Delhi for the Sant Nirankari Mission trip. The organization was phenomenal. Just being to that part of the world was something that I've always wanted to do in my entire life. So being able to go over there and also then take care of people was a dream come true.
I've never felt that much love really in my entire life. An exhibition showcasing the ideology and initiatives of the mission was also held on the occasion. This exhibition was visited by many people who appreciated the ideology and initiatives, including Dr. Ron, the president of Life Chiropractic West. Life West is so honored and humbled to have the Sant Nirankari put together the exhibition, which is our Service to Humanity exhibition, with beautiful pictures of the Sant Nirankari mission and the mission trips that Life West has done in India. तो ये थी रिपोर्ट दूर देशों के बारे में और अब समय है संत निरंकारी मिशन की सोशल एक्टिविटीज के बारे में जानने का. द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी. विद दिस बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन वर्क्स टुवर्ड्स हीलिंग एनरिचिंग एंड एम्पावरिंग द सोसाइटी विदाउट एनी प्रेजुडिस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन न्यूमरस वेज ओवर द पास्ट मेनी इयर्स. द एफर्ट्स ऑफ वॉलंटियर्स ऑफ द मिशन टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन, फ्री हेल्थ केयर चेकअप सर्विसेज, cleanliness and tree plantation drives, schools and colleges providing ethics-based education, care for elderly and people with special needs, disaster relief, women and youth empowerment programs, among many others, have been remarkable. Here is a report of the activities carried out by Sant Nirankari Charitable Foundation during the month of August. समाज के उत्थान के लिए संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंतर सामाजिक योगदान दिए जा रहे हैं और इन्हीं समाज कल्याण कार्यों की श्रृंखला में अनेक रक्तदान शिविर अगस्त महीने में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए गए, जहां सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से भक्तों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया. रक्तदान शिविर आयोजित होने वाले मुख्य स्थान रहे अहमदाबाद, चंडीगढ़, श्री गंगानगर, मोहाली, मुरादाबाद, पुणे, विशाखापट्टनम, उत्तराखंड के विभिन्न शहर, जम्मू व दिल्ली की कई ब्रांचेस. इसके साथ साथ SNCF द्वारा एग्जीबिशंस और ब्लड डोनेशन अवेयरनेस रैलीज के माध्यम से समाज को जागृत करने का भी प्रयास किया गया. 3 अगस्त को SNCF द्वारा फ्रेंड्स फॉर ब्लाइंड नामक एसोसिएशन को धनराशि प्रदान की गई. 6 अगस्त को मुंबई में एक आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें मुंबई के जेजे हॉस्पिटल से आए कई अनुभवी डॉक्टर्स ने मरीजों की नेत्र जांच की. अगस्त महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वात्सल्य फाउंडेशन के अनाथ बच्चों के लिए सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से भोजन वितरित किया गया और साथ ही मनोरंजन का एक लघु कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. अगस्त के महीने में ही कोट द्वार उत्तराखंड में बादल फटने के कारण बाढ़ आ गई थी, जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ. ऐसे में SNCF के स्वयं सेवकों द्वारा प्रभावित परिवारों के घरों से मलबा निकालने, सफाई करने और अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं की गई. साथ ही रिफ्यूजी कॉलोनी में खाद्य सामग्री, बिस्तर, कपड़े व अन्य राहत सामग्री भी वितरित की गई. इस सहयोग के लिए क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने मिशन व SNCF की जहां एक और प्रशंसा की, वहीं सेवादारों को धन्यवाद भी प्रेषित किया. आप परिचित होंगे कि अगस्त के महीने में मुंबई महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा के चलते कई स्थानों पर काफी पानी भर गया, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ. संकट की इस घड़ी में SNCF के वॉलंटियर्स ने शहर के नागरिकों की अनेक प्रकार से सहायता की, चाहे वो दादर व कलवा के भवन पर प्रभावित लोगों के ठहरने की व्यवस्था करना रहा या फिर भोजन आदि की व्यवस्था करना. 20 अगस्त को तिहाड़ जेल के बंदी भाइयों के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से भोजन आदि की विशेष व्यवस्था की गई. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा की गई इस सेवा के अवसर पर आदरणीय बहन रेणुका जी ने पहुंचकर मिशन व फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व किया. स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16 अगस्त से 30 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया. SNCF ने भारतीय रेल के साथ मिलकर कई रेलवे स्टेशंस पर स्वच्छता की सफाई की सेवा की, जिनमें मुख्य रहे अहमदाबाद, वडोदरा, ग्वालियर, हैदराबाद, मुरादाबाद, राजकोट, पुणे व मुंबई आदि. इस अवसर पर समाज को जागृत करने के लिए स्वयंसेवकों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए. ये हमारा
का एक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है जिसमें हम 16 दिन तक ये पखवाड़ा मनाएंगे और पूरे भारतवर्ष में रेलवे ये पखवाड़ा मना रही है, स्वच्छता का पखवाड़ा। इसके कई पहलू हैं, एक तो हमारा वातावरण स्वच्छ हो और दूसरा हमारा जो खुद का हाइजीन है, हमारा जो तन है उसकी सफाई रखें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भी आपका निरंकारी मिशन भी उसको अंडरटेक करता है कि हमारी आंतरिक भी स्वच्छता हो, जो हमारा मन है, हमारी आत्मा है वो भी साफ हो। वो तभी सब कुछ साफ हो सकता है अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है और हमारा तन है ये सब कुछ साफ होगा। आपकी संस्था जो है वो हरिद्वार में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और सब तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिलता है कि संत निरंकारी मंडल हरिद्वार की जो ब्रांच है वो बहुत अच्छे से सफाई में हमारा योगदान करती है और हर महीने वहाँ पर एक प्रोग्राम ज़रूर होता है। Before we move on to our next section, let's take a short break. निरंकारी मिशन का पाक्षिक समाचार पत्र एक नजर, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं निरंकारी जगत की तमाम सूचनाएं व समाचार। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की देश व दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा जानिए एक नजर में। सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज की सुनहरी यादें ताजा कीजिए, प्रेरणादायक प्रसंग व दिव्य वचनों के अंश पढ़िए एक नजर में। देश व दूर देशों में होने वाले समागमों की पूर्व सूचना पाइए एक नजर में। कब, कहां और क्या गतिविधियां हुई जानिए एक नजर में। जी हां, एक नजर अब एक नए रूप में हिंदी, पंजाबी व मराठी भाषा में भी उपलब्ध। एक नजर रंग बिरंगे रंगों और मोहक चित्रों से सजा हुआ निरंकारी समाचार पत्र। निरंकारी साहित्य से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए लॉगिन कीजिए www.nirankari.org पर। Children are not things to be molded, but people to be unfolded. With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. तो आइए हर महीने इस मस्ती की झलकी से सीखें और सिखाएं। Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान। Voice Divine और भक्ति संगीत सुनना हुआ अब और आसान। अपने Android फोन से पॉडकास्ट प्लेयर castbox.fm ऐप डाउनलोड कीजिए और पुराने नए हर प्रकार के वॉइस डिवाइन और भक्ति संगीत के एपिसोड सुनते रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द रिपोर्ट ऑन SNCF डायरी, नाउ इट्स टाइम टू हेयर वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम आवर स्पेशल गेस्ट दिस मंथ इन आवर अपकमिंग सेक्शन एक खास मुलाकात। What I saw with the mission today was just amazing, how many lives it's touching, and it's pure and it's from the heart and it's with the intent of let's love each other, let's just love and give, and that's the highest thing we can possibly do in our lives. इंसान ही इंसान के दुख दर्द को समझ सकता है और बांट सकता है, इसलिए हम कुछ भी बनने से पहले अगर इंसान बने तो समाज की शोभा बन सकते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी विचारधारा के अंतर्गत मानवता का भला करने के प्रयास में मिशन की तरफ से की जाने वाली अन्य गतिविधियों का ब्यौरा हम आप तक लाए हैं अपने अगले और आखिरी सेक्शन अदर न्यूज में। मिशन के प्रचार विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाले बाल समागमों व इंग्लिश मीडियम समागमों की श्रृंखला में गुजरात के अहमदाबाद में इंग्लिश मीडियम समागम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों व युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
इसी प्रकार मानव एकता दिवस समागम में प्रचार विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को मुक्ति पर्व दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया तथा सभी बच्चों ने सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त के ही महीने में दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी स्थित सत्संग हॉल में बाल संगत के बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर यहां पर एक क्विज कंपटीशन भी रखा गया जिसमें बच्चों ने निरंकारी मिशन के इतिहास से संबंधित सवालों के जवाब दिए। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाने वाला मुक्ति पर्व समागम जहां एक ओर दिल्ली में आयोजित किया गया वहीं देश के भिन्न भिन्न शहरों तथा दूर देशों में भी उत्साह पूर्वक मनाया गया। मुक्ति पर्व समागम को देश के भिन्न भिन्न समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान देते हुए प्रकाशित किया। 22 अगस्त को उत्तराखंड के मसूरी में एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे लोक हित कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए मिशन को सम्मानित किया गया। निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए 4 अगस्त 2017 को सैन फ्रांसिस्को USA में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज को लाइफ कायरोप्रैक्टिक कॉलेज वेस्ट द्वारा प्रतिष्ठित व सर्वोच्च सम्मान मानवता सेवा अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड मुक्ति पर्व दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर श्री PS चीमा जी ने सद्गुरु माता जी को समर्पित किया। अगस्त के महीने में मुक्ति पर्व दिवस के अवसर पर निरंकारी स्टूडियो द्वारा तैयार की गई युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों की ऑडियो CD मार्गदर्शक भाग 1 तथा प्रकाशन विभाग द्वारा 2 पुस्तकें भी जारी की गईं। तो ये थे निरंकारी जगत के अगस्त महीने के समाचार। हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है newsdivine@nirankari.org। अक्टूबर महीने की 10 तारीख को सितंबर महीने की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत समता को। नमस्कार। धन निरंकार।